धर्मांतरण के आरोपों से घिरे इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक की फाउंडेशन IRF ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए का चंदा देने का दावा किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने खुलासा किया है कि उनके NGO ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए का चंदा दिया था और यह डोनेशन साल 2011 में दिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। अपनी सफाई में फाउंडेशन का कहना है कि डोनेशन उन्हें नहीं बल्कि उनके साथी संगठन राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया गया था, जिसे कुछ महीनों में लौटा भी दिया गया था। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाइक की संस्था को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिले अनुदान की जांच कराने का आदेश दे दिया है। मंत्रालय की माने तो नाइक के ट्रस्ट को सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और UAE जैसे देशों से फंडिंग होती है। दूसरी ओर जांच एजेंसियों को संदिग्ध मुस्लिम युवकों और कई वारदातों में शामिल आतंकियों के पास से जाकिर नाइक की किताबें और भाषण मिले हैं। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट चंदा लौटा देने की बात पर अड़ा है, तो वहीं इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन राशि वापस नहीं मिलने की बात कर रहा है। ऐसे में देखना बाकी है कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है।